भी जुड़ चुके हैं। आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य शैलेश जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, कुतुब मीनार विवाद को लेकर भी तथ्य सामने आ गए हैं और ऐसे में देवी देवताओं की मूर्ति है, इस बात से तो यहाँ कोई पक्ष इनकार नहीं कर रहा है। अगर कोर्ट कहता है कि 800 साल से पूजा नहीं हुआ तो अब क्यों करना है, इस पर आप क्या कहेंगे? हर हर महादेव, 800 साल से जब पूजा नहीं हुआ है तो अब क्यों करना है, यह तो कोई उत्तर नहीं हुआ। अगर 800 साल से कोई कैद है और उसको कैद से मुक्त किया जाए अच्छे समय पर तो क्या दिक्कत की बात है? अगर हमारे देव विग्रह वहां पर हैं तो सर्वे कराया जाए, सर्वे करा करके और उस देव विग्रह को मुक्त किया जाए और उसे पूजा करने का अधिकार दिया जाए हिंदू समाज को और जैन समाज को। वहां पर विष्णु स्तंभ था, वराह मिहिर के द्वारा स्थापित बनाया गया और साथ ही साथ वो जो स्थान है महाराजा विक्रमादित्य के काल का है, 250 वर्ष पुराना है और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक आया इस देश में, आने के बाद सबसे पहले वहां पर तोड़ फोड़ किया और 9 मन जनेऊ वहां पर स्थापित किया, यानी लाखों लोगों की हत्याएं की और लाखों हिंदुओं की हत्याएं की। तो एक तरफ तो सनातन धर्मावलंबियों को मारा गया, काटा गया, भगाया गया उनके स्थानों से और क्या अब उन्हें देव विग्रह का पूजा करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। 800 वर्ष हो या 1000 वर्ष हो या 1500 वर्ष हो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले हैं जर्मनी में या और सारे देशों में जहां पर उनके चर्च तोड़ दिए गए थे, 400-500 वर्ष बाद फिर उस चर्च को स्थापित किया गया है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो विष्णु स्तंभ है जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बना दिया, उसे स्थापित करने का, पुनर्स्थापित करने का जरूरत है। ठीक है शैलेश जी, वापस आपके पास लौट रहे हैं। हाफिज सरवर जी का रुख कर लेते हैं। सरवर साहब, 27 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये दलील दी गई है और साथ ही याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि मुस्लिमों ने कभी यहां नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन अब विवाद पैदा किया जा रहा है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट समझेगा। सर्वर साहब, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे लगता है ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वापस से कनेक्शन को रीसेट करते हैं। जब तक आपकी आवाज हम तक पहुंचे, हम यही तथ्य समझ रहे थे। और आचार्य शैलेश जी, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि जाहिर सी बात है 800 साल हो या 8000 साल हो, अगर कोई कैद में है तो छुड़ा लेना चाहिए, पूजा पाठ की इजाजत नहीं दी जा रही तो देनी चाहिए। और ऐसे में हाफिज सरवर साहब जब तक हमारे साथ वापस जुड़े, आचार्य जी, हिंदू पक्ष जो दावे कर रहा है कि देवी देवता की मूर्तियां यहां हैं, मूर्तियों को हटाया नहीं जा सकता, तो ऐसा ये दावा कर रहा है कि ये कोई धार्मिक स्थल नहीं है, ये तो एक मॉन्यूमेंट है, यहां पर तो लोग घूमने आते हैं। मॉन्यूमेंट तो बना दिया गया, घूमने तो बहुत जगह लोग जाते हैं, क्या मंदिरों में घूमने नहीं जाते हैं, दर्शन करने नहीं जाते हैं? दर्शन करने ही तो जाते हैं, पूजन करने जाते हैं। मॉन्यूमेंट ठीक है, वहां लोग देखने जाते हैं, लेकिन अगर वहां मूर्ति है तो पूजा करने जाएंगे लोग, वहां अर्चना करने जाएंगे। हमारा इतना पुराना देव विग्रह है, इस देश की संस्कृति को तोड़ा गया है, इस देश की संस्कृति को जितने भी आक्रांता आए हैं, मुगल आए हैं, उन सब के द्वारा तोड़ा गया है, तो क्या दिक्कत है? स्थापित होना चाहिए, हमारा जो देव विग्रह है उसे बिल्कुल स्थापित होना चाहिए, चाहे 1000 वर्ष पहले की कहानी क्यों ना हो। अगर वहां मंदिर है, वहां देवी देवता है, तो बिल्कुल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां सिद्ध करता है तो वहां पूजा पाठ करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। वहां पर तो गणेश जी भी जो है उल्टा टांगे हुए हैं, दिशा सूचक यंत्र है, 9 ग्रह की मूर्तियां हैं, राहु केतु शनि ये सब सारे की मूर्तियां बने हुए हैं, बृहस्पति की मूर्तियां बनी हुई है, हमारे देव विग्रह हैं, कलाकृतियां हैं, वास्तुकला है जी। और 27 जैन मंदिरों को भी तोड़ करके उसी में स्थापित कर दिया गया था, तो बिल्कुल अगर हमारा वहां देव विग्रह है तो बिल्कुल वहां होना चाहिए। और मॉन्यूमेंट जो है उससे कोई मतलब नहीं है, अगर आज कुतुब मीनार है तो कल विष्णु स्तंभ हो सकता है, जैसे प्रसिद्ध कुतुब मीनार है उसी तरह विष्णु स्तंभ भी प्रसिद्ध पूरी दुनिया में हो सकता है और होना ही चाहिए। हमारा हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति पर सारे आतताइयों के द्वारा उन्हें ध्वंस करने का
और बर्बाद करने का उन लोगों ने पूरा काम किया है। अब जरूरत है, देश आजाद हुआ, मुगलों से आजाद हुआ, अंग्रेजों से आजाद हुआ, और साथ ही साथ उन लोगों से आजाद हुआ जो गुलामी की मानसिकता और साथ साथ जो है वामपंथ की मानसिकता। ठीक है आचार्य शैलेश जी, हम आपके पास वापस लौटेंगे। तो देखिए, बड़ा दावा याचिका की तरफ से किया गया कि 27 मंदिरों के 100 से ज्यादा अवशेष कुतुब मीनार में बिखरे पड़े हैं, और साथ ही हिंदू पक्ष की तरफ से यह भी दावे में कहा गया कि उनके पास जितने भी साक्ष्य हैं यानी कि सबूत हैं वो सब उनके द्वारा ASI की किताबों से लिए गए हैं। ये ASI का कहना है कि ये मंदिरों के अवशेष है। मोहित, ASI ने कोर्ट में इस पर क्या जवाब दिया है? देखिए, अभी ASI की तरफ से कोर्ट में जवाब दिया जाएगा, लेकिन ASI ने शुरू में ये बताया था कि जब ASI ने, जैसे हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ये जगह जब ASI ने ली है उसके उस दौरान यहाँ पे किसी तरीके की कोई पूजा पाठ नहीं होती थी। हालांकि ASI की तरफ से ये जरूर कहना है कि यहाँ पे जो अंदर जो इमारतें हैं, जो मीनारें बनी हुई हैं, उसके अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ दिखती हैं, उसमें कलाकृतियाँ दिखती हैं, तो ये बात ASI मानता है। लेकिन यहाँ पर पूजा पाठ की बात वो अस्वीकार करते हैं कि यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होता था। उनका ये भी कहना है कि जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं वो बहुत साल पुरानी हैं, यहाँ पर करीब 800 साल से ज़्यादा का वक्त है यहाँ पर जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, लेकिन उनकी पूजा पाठ की जाती थी, इसका कोई उनके पास सबूत नहीं, कोई साक्ष्य नहीं है। और जब से ASI इसका संरक्षण कर रहा है आजाद भारत में, तब से यहाँ पर कोई पूजा पाठ नहीं किया जाता था। सवाल इसलिए भी उठता है कि ASI कह रहा है कि यहाँ पर सदियों से पूजा पाठ नहीं हुई है, लोग नहीं आए हैं। ASI की ही वो 1871 की, लगभग 150 साल पहले की जो हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, वो भी तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ही रिपोर्ट है। उसमें तो जो JD बगलर हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखी थी, ये भी ASI में सबमिट है, उसमें साफ लिखा गया है कि प्री मोहम्मदियन एरा के वहां पर मॉन्यूमेंट्स देखे गए हैं। तो इस पर ASI क्या जवाब देगा? देखिए, बिल्कुल समझना होगा, जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं वो आजाद भारत से पहले की है, जिसमें खुद जो अंग्रेज शासक थे उन्होंने इसका जो सर्वे कराया था, सर्वेक्षण करवाया था, तब ये पता लगा था कि जब मंदिर बनाए गए हैं, जो इमारत बनाई गई है वो एक साथ बनाए गए हैं। कोई यहाँ पे पहले मीनार नहीं बनाई गई, उसके बाद मंदिरों का निर्माण नहीं किया गया, इन सबका निर्माण एक साथ किया गया था यहाँ पर। और जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं उनके बारे में उन्होंने साफ लिखा है कि यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, और ये भी इसमें लिखा गया, उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया था JD बगलर की तरफ से कि यहाँ पर मंदिरों का ध्वस्त करके ही मस्जिद और दूसरी चीज़ों का निर्माण किया गया है। तो कहीं ना वहाँ वो ASI की रिपोर्ट जो है उसका हवाला भी अब हिंदू पक्ष जो है वो कोर्ट के अंदर देगा कि जब ASI ने 1871 में इस चीज़ का सर्वेक्षण किया हुआ है, तो अब ASI क्यों इसका उलट दावे कर रहे हैं कि यहाँ पे पूजा का अधिकार ना मिले। जब हमारे देवी देवता यहाँ पर हैं तो ये हमारा मौलिक अधिकार बनता है कि हमें यहाँ पे पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए। हालांकि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि मॉन्यूमेंट एक्ट बनता है और जो 800 साल से यहाँ पूजा पाठ नहीं हुई तो उनको एज इट इज यहाँ पे छोड़ा जाए, लेकिन हिंदू पक्ष कह रहा है कि नहीं, हमें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि अंदर लेकर ही मैं आगे सर्वर साहब के पास जा रही हूँ, वापस आपके पास मोहित आएंगे। एक बार मंदिर हमेशा एक मंदिर होता है, ये जैन की तरफ से दलील में कहा गया है। इस समय कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है कुतुब मीनार के मामले को लेकर, देवता का अधिकार, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि क्या कुछ दलीलें दी जा रही हैं, क्या बहस इस समय कोर्ट में चल रही है। कानून के मुताबिक यथास्थिति बनाए रखें, ये कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया। एक बार मंदिर हमेशा एक मंदिर होता है, ये जैन की तरफ से कहा गया। देवता का अधिकार, उनकी दिव्यता हमेशा रहती है, ये दलील में कहा जा रहा है। सर्वर साहब, मैं आपका रुख करूंगी। सर, इस पूरे मामले में मॉन्यूमेंट एक्ट लागू होता है और कोई एक्ट इस पर लागू नहीं होता, वर्शिप एक्ट इस पर लागू नहीं होता, ये दलील में कहा गया है, आपकी प्रतिक्रिया? और कुतुब मीनार के विषय में मेरा निजी मानना सदैव यह रहा है कि यह सरकार का मामला है। सरकार और कथित तौर पर हिंदू पक्ष, जिनको कह रहे हैं ये चंद वकील जो सस्ती लोकप्रियता के लिए देश का वातावरण बिगाड़ रहे हैं, आप हिंदू पक्ष कह रहे हैं तो सब लोग कह रहे हैं तो मैं भी मान ले रहा हूं, ये इन दोनों के बीच का मामला है। लेकिन आचार्य शैलेश तिवारी जी ने अभी शुरू में एक बात कही थी कि नौ मन जनेऊ वहां पर पाया गया था, और मैं शैलेश तिवारी जी ये जानना चाहूंगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, पहले ये बता दें। तो नौ मन जनेऊ का वजन भी हम बता देंगे कि एक किलो जनेऊ में, एक किलो के अंदर कितने जनेऊ होते हैं, फिर नौ मन को मल्टीपल करके आपको मैं बता दूंगा। आप सर्वर साहब, सवाल बहुत सीधा सा आपसे पूछा था ज्योत्सना ने कि मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत आपको लग रहा है कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, होता है तो फैसला आप ही के फेवर में आएगा, आपको तो इस पर सीधा जवाब देना चाहिए। आप लोग यही चीज में गुस्सा आता है मुझे, अरे उस समय जनसंख्या कितनी थी, सच बात देश को क्यों नहीं बताते? उस समय की जनसंख्या, पहले जनसंख्या बताइए,
निकल गए आप, झेलना फैला रहे, देश फैला रहे, नौमन जलो था, नौमन जलो था, जलो जलो बकरे। साहब गुस्से में बताइए, वापस लौट रहे आपके पास, आप अपना जवाब दिया रखिए सर, जो आपसे सवाल पूछा है, सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता, वापस लौट रहे हैं जज अजय कृष्ण विश्वेश, दोपहर 2 बजे फैसला देंगे। ज्ञान वापी मामले पर भी लगातार नजर बनी हुई है, केस मेंटेनेबल है या नहीं, इस पर आज फैसला देश के सामने होगा, किस याचिका पर पहले सुनवाई की जाए, इस पर फैसला पूरे देश के सामने अब से थोड़ी देर बाद, करीब 1 घंटे का वक्त बाकी है, ज्ञान वापी केस में फैसला हमारे सामने आएगा, जिला कोर्ट में तय होगा ज्ञान वापी केस कैसे आगे बढ़े। बिल्कुल, और उससे पहले कोर्ट के बाहर हलचल तेज हो चुकी है, जिला जज अजय कुमार वैष्णव की अदालत में दोपहर 2 बजे ज्ञान वापी को लेकर और फैसला शुरू हो जाएगा, और सुनवाई में सबसे जरूरी बात यही कि आगे की प्रोसीडिंग कैसे होगी, इस पर आज बातचीत की जाएगी, क्या केस सुनने लायक है या नहीं, मेंटेनेबिलिटी को लेकर बातचीत की जाएगी, हिंदू पक्ष ने पूजा पाठ की इजाजत मांगी है, क्या ये इजाजत दी जाएगी या नहीं, और इसके बाद जो बाकी की तमाम पेंडिंग याचिकाएं होंगी उस पर देखना होगा कि फैसला आगे क्या सुनवाई होती है। हमारे तमाम संवाददाता लगातार वाराणसी से भी जुड़े हुए हैं, अमित और हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कोर्ट के बाहर गतिविधियां तेज हो गई होंगी, कार्रवाई भी शुरू होने वाली है, कुछ अपडेट्स? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, कोर्ट के बाहर हलचल यहाँ पर बढ़ गई है, सिक्योरिटी तो यहाँ पर चाक चौबंद हो ही गई है, लेकिन यहाँ पर रिएक्शंस लेने की भी बहोड़ यहाँ पर मची हुई है, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ देर पहले यहाँ पर विष्णु जी यहाँ पर मौजूद थे, और अब से कुछ देर बाद हम उनसे बात भी करेंगे और उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरह की सुनवाई आज आगे बढ़ने वाली है और कोर्ट में किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, प्राथमिकता को तय किया जाएगा यहाँ पर ये देखा जाएगा कि इस मामले की जो सुनवाई की जाएगी किन पहलुओं पर यहाँ पर नज़र रखी जाएगी, क्योंकि हिंदू पक्ष की अपनी अलग दलील है लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी अलग अलग दी जा रही हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो याचिकाएं लगाई गई थी उससे पहले यहाँ पर यह देखा जाएगा कि किस मामले को सुनवाई के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, किस मामले पर सुनवाई की जाएगी, क्योंकि जरा अपनी तरफ से की जा रही है, मंदिर पक्ष की तरफ से अपने अलग यहाँ पर तथ्य रखे गए हैं, तो वहीं पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपने अलग तथ्य रखे गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात वर्शिप एक्ट उसमें आएगा, 7-11 नियम आएगा, उसकी तफसील से यहाँ पर बात की जाएगी, हर एक पहलू को जज की तरफ से यहाँ पर देखा जाएगा और दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद आज ये तय किया जाएगा कि आगे किस मामले पर आगे बढ़ना है। बिल्कुल, तो मुस्लिम पक्ष ये कह रहे हैं कि आज इस बात पर सबसे पहले निर्णय होना चाहिए कि विशेष उपासना स्थल अधिनियम 1991 यहाँ पर लागू होता है या नहीं होता। अमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए, मोहित के पास भी हम जाएंगे। अमित, ओवर टू यू, अभी आपके पास आ रही हूँ, क्या हलचल है, करीब 1.5 घंटे का इंतजार और सुनवाई वापस, अमित आपके पास आएंगे। महंत कुलपति तिवारी जिला न्यायालय पहुंच चुके हैं, ज्ञान वापी मसले पर सुनवाई जिला अदालत में शुरू होने वाली है, महंत कुलपति तिवारी जिला न्यायालय पहुंच गए हैं, मेंटेनेबिलिटी को लेकर फैसला आज कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े निर्देश दिए थे इस मसले से जुड़े और इस मामले को जिला जज को सौंप दिया था। अब आज दूसरे दिन की कार्यवाही क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। पूरा देश फैसले का इंतजार कर रहा है कि केस आगे कैसे बढ़े, कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। वहीं महंत कुलपति तिवारी जिला न्यायालय पहुंच चुके हैं। तो बिल्कुल, महंत कुलपति तिवारी ने पहले भी कहा था कि अब वो कोर्ट में एक और याचिका दायर करेंगे। बहरहाल, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, तमाम याचिकाओं पर सभी सुनवाई होगी, जब सबसे पहले ऑर्डर 7 रूल 11 के फैसले पर कोई फैसला आ जाता है जिला जज का। अमित, आपसे हम यही जानना चाह रहे थे कि आज प्रोसीडिंग्स को लेकर सबकी नजरें टिकी रहेंगी कि याचिकाएं बहुत सारी हैं, प्रायोरिटी पर जिस बात को सुना जाना है वो ये कि पूरे विवाद को आगे बढ़ाया भी जाए या यही फुल स्टॉप लगा दिया जाए। जी हाँ, सही कहा आपने कि कई याचिकाएं भी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि प्राथमिकता के आधार पर पहले 7 और 11 को सुनना चाहिए, तो लेकिन अब ये तय होगा क्योंकि आज जो आदेश आएगा उसमें ये तय हो जाएगा कि क्या 7-11 जो है, ऑर्डर 7 ऑर्डर 11 है, उस पर पहली बहस होगी या फिर उसको रूल आउट करते हुए जो जिला जज हैं वो दूसरे जो तमाम याचिकाएं हैं, चाहे राखी सिंह की याचिका है जिनके साथ 5 महिलाएं भी हैं जिनके श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की बात थी, या हिंदू पक्ष से दूसरे और जो याचिकाएं थी, इसके अलावा सबसे बड़ी बात की जो अभी थोड़ी देर पहले कुलपति तिवारी भी अंदर गए क्योंकि उनकी जो याचिका है, क्योंकि उनको उनका ये मानना है कि जब अगर वहाँ पर शिवलिंग पाया गया है तो उनका उनकी पूजा अर्चना भोग स्नान वो भी बहुत ज़रूरी है, वो कराएंगे तो उसको सुनेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला होगा कि क्या आगे जो प्रोसीडिंग होनी है, जो इस पूरे ज्ञानवापी विवाद को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भेजा था कि लोअर कोर्ट ही सबसे बेहतर जगह है जहाँ पर पूरी याचिकाओं की मेरिट डिमेरिट तय हो सकती है और आगे की प्रोसीडिंग क्या होगी, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है यही तय होना है
कि आगे प्रोसीडिंग में क्या होगा, क्या 7 ऑर्डर 11 को लेकर सबसे पहली चर्चा होगी क्या उस पर, क्योंकि कोर्ट के आदेश के अनुसार जो लग रहा है कि 7 ऑर्डर 11 ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार इन इन याचिकाओं की जो वैलिडिटी है वो तय हो जाए, उनकी मेंटेनेबिलिटी तय हो जाए। बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था, इस पूरे मामले पर सबसे बेहतरीन सुनवाई जिला अदालत में ही हो सकती है, सबसे एक्सपीरियंस जो जिला जज है यहाँ पे वाराणसी कोर्ट के वही सुनवाई कर पाएंगे। लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन तब नजर आता है कि जब ऑर्डर 7 रूल 11 पर सुनवाई करनी है तो हिंदू पक्ष ये दलील दे रहा है कमीशन की रिपोर्ट देखे बिना सुनवाई कैसे की जा सकती है। चलिए इस मामले पर हम आगे चर्चा को बढ़ाए, उससे पहले कुतुब मीनार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है ज्योत्सना। हमें सबूत देने का मौका नहीं दिया गया, ये हरिशंकर जैन की तरफ से कहा गया है, जो लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से दलील दे रहे थे, मौका दिए बिना पहले मुकदमा खारिज किया गया था, ये जैन की तरफ से कहा गया है। मोहित, ओवर टू यू, इस पर क्या अपडेट है? हमें सबूत देने का मौका नहीं दिया गया, ये जैन की तरफ से कहा गया। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके का सबूत हिंदू पक्ष लेके गया था, जो अंदर की फोटोग्राफी उनके पास थी, जहाँ अंदर के जो जो निशान है, जो चिन्ह है, उनके जो सबूत उनके पास थे, उनको कोर्ट में पेश करने का वक्त उनको नहीं दिया गया, ऐसा उनका जो हिंदू पक्ष है उनके वकील का कहना है। उनका कहना है कि हमारे सबूत दिखाए बिना, हमारे सबूत पेश किए बिना हमारा मुकदमा खारिज करने किया गया है। लेकिन अब जो है वहाँ पर ASI के वकील अपनी दलील दे रहे हैं और अब देखना है कि अपनी दलील में ASI क्या बातें रखते हैं। हालांकि ASI पहले ही ये साफ कर चुका है और ASI की मांग ये है कि यहाँ पर किसी तरीके की पूजा पद्धति को या पूजा प्रक्रिया को यहां पर शुरू करने की इजाजत ना दी जाए। लेकिन जो हिंदू पक्ष है वो इस बारे में कह रहा है कि हम जब अपनी बात रख रहे हैं, अपने सबूत रख रहे हैं, तो हमें पूरा समय दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया है। जी मोहित बने रहेगा इस पर, सर्वर साहब का हम थोड़ा सा रिएक्शन ले लेते हैं। हाफिज सर्वर साहब, आप जो बात कह रहे थे हम समझ रहे हैं, लेकिन जब हिंदू पक्ष कहता है कि जो एक बार मंदिर था वो हमेशा मंदिर रहेगा, मुस्लिम पक्ष भी तो इस बात से इनकार नहीं करेगा ना कि जो एक बार मस्जिद था वो आजीवन मस्जिद ही रहेगा, तो हिंदू पक्ष की इस दलील से आप सहमत होंगे? नहीं नहीं बिल्कुल सहमत है, मगर मंदिर है कहां पर? आप ये तो साबित देखिए, यही बात मैं कहता हूं, जब लोग चैनल देखते हैं, ये अदालत तो है नहीं, ये तो जनता सुनती है, इससे माइंड सेट तैयार होता। आप ऐसे ऐसी बात रखते हैं जो तथ्यहीन, आधारहीन, इतिहास में जिसका कहीं जिक्र नहीं, कोई मतलब उस पर ऐतिहासिक मोहर नहीं लगा है, कभी 9 मन जनेऊ, कभी 20 मन जनेऊ, मतलब भड़काने और कहानी है, बिल्कुल कहानी है। अरे फिर आपको ज्ञान नहीं, एक सवाल फिर करूंगा, एक सवाल पंडित जी फिर करूंगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में चलिए 12वीं सदी में भारत में मुसलमान कितने थे, चलिए यही बता दीजिए, भारत में मुसलमानों की संख्या कितनी थी 12वीं सदी में, भारत में मुसलमानों की संख्या कितनी थी? ऐबक का जो 1210 के जो पीरियड था, उस पीरियड में मुस्लिम की जनसंख्या तो इंडिया में करीब करीब 22 से 23 लाख थी और धीरे धीरे बढ़ता ही गया, उसमें पूरे भारत की जनसंख्या जो है प्रतिशत पूछ रहा हूँ, प्रतिशत 10 करोड़ की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या थी, 10 करोड़। देश कहाँ था क्या? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब बताइए, बंगाल था उसमें, कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन बंगाल था, बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था। हाँ तो आप प्रतिशत निकालिए ना, देश सुन रहा है। अरे तब कितने प्रतिशत थे, आप कितने प्रतिशत थे? अरे ये कहां से जलन वाली फर्जी कहानी ले आते हैं? जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं चल रहा है ना सर्वर साहब, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अभी कोर्ट में एक हिंदू पक्ष है और एक ASI, हिंदू पक्ष और ASI, हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि जो साक्ष्य, आप मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? ताजमहल चलिए एक मिनट, मुसलमानों का कोई मामला नहीं है, वो राष्ट्रीय। अच्छा चलिए आप दोनों को ही रोकते हैं, आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। इस बीच जो बड़ा अपडेट है, ASI के पक्ष ने कहा है कि याचिका रद्द करने की मांग की है ASI ने। मॉन्यूमेंट का कैरेक्टर तय होने पर बदलता नहीं है, यानी कि ये ऐतिहासिक स्मारक है, पुरातात्विक महत्व का है, तो इसे आप धार्मिक महत्व का ना बताएं, ये ASI के वकील ने कहा है। और इस पूरे मामले में फिर याचिका रद्द करने की मांग की है। मोहित लगातार कोर्ट के पास से मौजूद है हमारे साथ, मोहित कुछ अपडेट्स?
देखिए जो हम बात आपको पहले से बता रहे हैं वही बात एएसआई के वकील कह रहे हैं, और एएसआई के वकील ने कहा है कि मॉन्यूमेंट का करेक्टर होता है, जो एक बार साबित हो जाता है, एक बार बना दिया जाता है तो उसके बाद वो बदला नहीं जाता, और जहाँ पे पूजा की जाती है वो लिविंग मॉन्यूमेंट होते हैं, लेकिन कुतुब मीनार जो है नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है, इसलिए यहाँ पर पूजा नहीं होती। इसलिए हम मांग करते हैं कि याचिका को रद्द कर दिया जाए। और एएसआई के वकील ने फिर ये बात बोली है कि जब हमारे पास ये जमीन आई थी, जब हमने इसका संरक्षण किया था, तब यहाँ पे कोई पूजा नहीं की जाती थी, तो अब ये पूजा का विवाद यहाँ पे खड़ा किया जा रहा है, इसको नहीं, इसका अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। इसी बात को लेके अब उनका कहना है कि जो हिंदू पक्ष की याचिका है जिसमें पूजा के हक अधिकार की मांग की जा रही है, इसको रद्द कर देना चाहिए। जी तो ठीक है, आपके पास हम वापस लौटेंगे, सर्वर साहब के पास जाते हैं। ज्योति, सर्वर साहब आप देख रहे हैं हिंदू पक्ष और एएसआई अभी कोर्ट में, ठीक है, एएसआई की तरफ से दलीलें शुरू हो चुकी हैं। हिंदू पक्ष ये कह रहे हैं कि एएसआई की किताबों से ही हमने सारे साक्ष्य जुटाए हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो दलीलें हैं, जो मामला किस ओर जा रहा है, किस पक्ष में जा रहा है। मैं सिर्फ आपकी प्रतिक्रिया मांग रही हूं दलीलों पर। ये हिंदू पक्ष नहीं है, ये कथित तौर पर लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए जैन साहब ने एक नया ड्रामा निकाला है। पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचेंगे, चंदा करेंगे, माल जमा करेंगे, जैसे जफरयाब जिलानी ने किया था बाबरी कांड में, और हिंदू पक्ष के वकीलों ने किया था। ये सब चंदा और धंधा है, कहीं से कोई तत्व नहीं है। आप भी चंदा मांगते हैं लोगों से, आप भी चंदा मांगते हैं, ये चंदा मांगते हैं, यही देश में हो रहा है। बरगलाना है, चंदा करना है, बरगलाना है और चंदा करना है, दोनों पक्ष। मैं तो तीसरा पक्ष हूँ, मैं तो मजदूरी करने वाला हूँ पंडित जी। हमारे जो लोग हमारे यहाँ भी गुरु है, मुसलमानों का भी एक पक्ष है चंदा वाला। आप टीवी चैनल पर बैठ के लोग भ्रमित मत कीजिए, आप भ्रमित नहीं, यही सच्चाई है। मैं देश को बताता हूँ, चंदे वालों से सावधान हो जाओ, सस्ती लोकप्रियता पर आप कर देश को बर्बादी की ओर धकेले वालों से सावधान हो जाए। तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, बैठ करके राजनीति करते हैं। अच्छा चलिए, आचार्य जी और हाफिज साहब, आप दोनों जब हम तथ्यों पर बात करते हैं, हम स्क्रीन पर एएसआई की रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, तथ्य दिखा रहे हैं, तो आप सवाल उठाते हैं और यहाँ फिर खुद सियासत शुरू हो जाती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। बहरहाल बात फिर तथ्यों की करेंगे, क्योंकि भावनात्मक मामले जरूर हैं, लेकिन कोर्ट अगर सुनवाई करेगा तो वो सबूतों के आधार पर, और हम भी बात करते हैं सिर्फ उन्हीं तथ्यों